जब राम जी साकेत जाने लगे ना तो सबको साथ ले जा रहे थे अपने, चलो सब साथ जाने के लिए विमान में बैठे। हनुमान जी दूर खड़े थे, हनुमान जी को बुलाया, बस इधर आओ प्रभु, आज्ञा करो, चलना नहीं हमारे साथ? बिल्कुल चलेंगे, आपके बगैर तो हम रह ही नहीं सकते। पर दास एक निवेदन करना चाहता है, साकेत में हमें कौन कौन मिलेगा? बोले मैं मिलूंगा स्वयं आप, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, तुम मेरे पास रहोगे, तुम्हारी माँ सीता मिलेंगी, लखन लाल, भरत लाल, शत्रुघ्न लाल सब मिलेंगे। हनुमान जी महाराज ने कहा, बोले प्रभु ये सब तो ठीक है, आप मिलेंगे अच्छी बात है, पर मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्या आपके धाम में मुझे आपकी कथा सुनने को मिलेगी? प्रभु ने कहा, हमारे धाम में जब हम मिलेंगे, हमारी कथा तो केवल पृथ्वी पर मृत्यु लोक पर ही है, ऊपर नहीं है। हनुमान जी ने निवेदन किया, प्रभु जब तक आपकी कथा इस पृथ्वी पर रहेगी, दास भी यही निवास करेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। जहां जहां प्रभु की कथा होती है, चाहे राम कथा हो, चाहे शिव कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, हनुमान जी महाराज किसी ना किसी रूप में आकर विराजमान हो ही जाते हैं। सभी देवताओं का, किसी का सतयुग में, किसी का त्रेता में, किसी का द्वापर में, किसी का कलयुग में प्रभाव है, और हनुमान जी महाराज का चारों युग पर ताप तुम्हारा है, पर सिद्धि जगत उजियारा। चारों युगों में हनुमान जी का प्रताप है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।